थोड़ा दूर चले जाएंगे तो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुचि सक्सेना एंड आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र एंड थैंक्स टू अमूल टीम एंड अभिषेक सर जिन्होंने मुझे अमूल के पेज पर लाइव आने का जो मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो रेसिपी है पनीर लबाबदा और मुगलई पराठा। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। अंजना पूछ रही, अंजना जी पूछ रही व्हाट इज द रेसिपी। मैम आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर लबाबदार एंड मुगलई पराठा, जिसके इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा देती हूँ। माय नेम इज रुचि सक्सेना, आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ आरजीएस कलिनरी। वी आर टेकिंग क्लासेस, कलिनरी क्लासेस, वी आर टेकिंग कलिनरी क्लासेस एट मुंबई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने लिया है पनीर के ये क्यूब्स लिए हैं और यहाँ पर पनीर मैंने अमूल का यूज किया है, टोमेटो प्यूरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, चॉप्ड अनियन, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। और यहाँ पर मैंने दो तरीके की रेड चिली ली हुई, कश्मीरी रेड चिली और ये हमारी जो तीखी वाली रेड चिली होती है, रेड चिली पाउडर, वो लिया है, कसूरी मेथी और गरम मसाला। और गार्निश के लिए मैंने लिया है यहाँ पर कोरिएंडर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम Thank you.
यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है और अब मैं यहाँ पर अमूल का बटर डाल रही हूँ और साथ ही मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिफाइंड भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बटर कैरमलाइज होके जल सकता है, इसलिए वो जलने नहीं पाए। ये देखिए हमारा बटर यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पर मैंने डाला है जीरा। जीरा हमारा अच्छे से हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। गैस मैंने यहाँ पर स्लो पर ही रखी है और साथ ही में चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे। अनियन हमारे अनियन के साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, जिससे ये जो अनियन है ये जल्दी कुक हो जाए। और अनियन को हमें कैरमलाइज नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा कुक हो जाने के बाद क्वांटिटी भी बता दीजिए। ओके, यहाँ पर मैंने एक बड़ा अनियन चॉप करके लिया था, 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बटर लिए हैं अमूल का बटर और साथ ही में मैंने इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल, वो भी 2 टेबल स्पून डाला था। बटर जलने नहीं पाए इसलिए मैंने ऑयल ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला 1 टीस्पून। जीरा डालने के बाद में जीरा अच्छे से जब तड़कने लगा तो फिर मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करी। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमारी है वो मैंने 1 टीस्पून ही ऐड करी है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं वो नहीं डाल सकते। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ी प्याज चॉप करके ली थी, तो ये आप देख सकते हैं जो अनियन है। और साथ ही में मैंने अनियन जल्दी से कुक हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनियन है हमारे वो अच्छे से हो गए हैं। और यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। ये मैंने 4 बड़े टमाटर को बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद में मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च और हल्की सी शुगर डाली है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी शुगर डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, जिससे ये हमारी टोमेटो प्यूरी, होममेड टोमेटो प्यूरी तैयार हो गई। अब हमें इसे अच्छे से कुक करना है ऑयल सेपरेट होने तक। अनियन स्किप कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, अनियन स्किप कर सकते हैं। जो लोग अनियन जिंजर गार्लिक नहीं खाना चाहते वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। टमाटो प्यूरी से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप टमाटो प्यूरी के साथ में जब प्यूरी तैयार करें तो आप उसी टाइम पे थोड़ी सी जिंजर ऐड कर दें तो भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी पनीर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पनीर को मैंने इस तरीके से तैयार करके लिया, तो मैं अब इसमें, जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है तब तक मैं इसमें थोड़ी सी सॉल्ट, चिली पाउडर
और थोड़ा सा गरम मसाला, इसे मैं अच्छे से इसमें मिलाकर, और जब तक मसाला हमारा तैयार होगा तब तक ये हम इसे एक मैरिनेशन दे रहे हैं। वैसे तो इसमें बिल्कुल वाइट पनीर ही जाता है, कुछ भी नहीं डालते, लेकिन मुझे ये पसंद है तो इसको हम थोड़ा सा टोस्ट भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही हल्के से, ज़्यादा नहीं करना है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पाउडर स्पाइसेस, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कश्मीरी रेड चिल्ली ली हुई है। ये हमें तीखा नहीं कर, इससे तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये जस्ट कलर देती है। और यहाँ पे ये मैंने स्पाइसी रेड चिल्ली ऐड करी है, गरम मसाला पाउडर। ये सारे स्पाइसेस 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि 1 टी जो क्वान्टिटी है वो हमारी 100 ग्राम की क्वान्टिटी है, 200 ग्राम पनीर लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी क्वांटिटी 1 टीस्पून ही जाएगी। जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर जस्ट ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, मसाला। आप देख सकते हैं हमारा जो टोमेटो प्यूरी का है वो काफी अच्छे से तैयार हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होती है, तो और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। जिस तरह से इसका नाम है पनीर लबाबदार, उसी तरीके से इसका टेक्सचर भी है। और इसको रिचनेस देने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ काजू का पेस्ट, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी हमारी बनकर तैयार होती है। What are you cooking? सर, आज मैं बना रही हूँ पनीर लबाबदार एंड मुगलई पराठा। तो ये मैं पनीर लबाबदार की जो है ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, जिसे मैंने सबसे पहले यहाँ पर पैन चढ़ाया, उसके बाद मैंने इसमें बटर डाला, बटर के साथ में मैंने रिफाइंड ऑयल भी मिक्स किया है। निखिल गुप्ते जी बोल रहे हैं, इज इट मखनी ग्रेवी? यस, मखनी ग्रेवी और ये सिमिलर ही होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। परिका जी बोल रहे हैं कि काजू पेस्ट कैसे बनाना है। काजू पेस्ट मैंने इसे थोड़ा सा ना गर्म पानी में सोक किया हुआ है, और आप हल्का सा इसे ब्लांच भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसको थोड़े से दूध के साथ में या थोड़े से पानी के साथ में इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसे इसी तरह से बनाया हुआ है इसे, और काफी अच्छा टेस्ट आता है। हमारी ग्रेवी आप देख सकते हैं, ग्रेवी का कलर जो है, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है। शुगर जस्ट ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। शुगर से जो इसका दो चीज़ें, हल्की सी स्वीटनेस आ जाएगी, उसके बाद टोमेटो जो डाले हैं वो अगर ज़्यादा खट्टे हैं तो उसको वो बैलेंस भी करेगा। और शुगर जब कैरमलाइज होती है तो जो हमारी ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है, एकदम गोल्डन ब्राउन।
और अब डाला मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही लिया है खुशबू के लिए। आप इसे हल्का सा, मैंने इसे रोस्ट कर लिया था, बिल्कुल लाइटली रोस्ट किया हुआ है, गरम तवे पर रखा 1-2 सेकेंड के लिए, और उसके बाद मैंने ऑफ कर दी गैस और फिर मैंने इसे निकाल कर रख लिया। ये सारी कुकिंग मैं स्लो फ्लेम पर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट अंजू चोपड़ा जी हेलो बोल रहे हैं। हेलो अंजू जी, एक बार हमने कमेंट किया है नाइस कलर, थैंक यू मैम। शेरबानू अबू जी ने आपको थंब दिखाया है एक्सेलेंट के लिए। ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिच टेक्सचर में तैयार हुई है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम जो मैंने अमूल का लिया है। क्रीम डालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम गैस को धीमा कर दें और या तो फिर हम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, क्योंकि क्रीम कर्डल नहीं होने पाए, कभी कभी क्रीम फट भी जाती है ग्रेवी में जाने के बाद में, इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत खास कर ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा गैस ऑफ कर दी थी। रिंकू सिंह जी बोल रहे हैं जीरा पाउडर रोस्टेड है या रॉ? जीरा पाउडर आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, मैंने रोस्टेड लिया हुआ है, मुझे थोड़ा रॉ जीरा का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता इसलिए मैंने रोस्टेड पाउडर डाला है। आप वैसे रॉ दोनों तरीके से डाल सकते हैं। और मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क, जो ये ग्रेवी काफी थिक हो गई है तो थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। और आप यहाँ पर अगर मिल्क की जगह पर पानी डालना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। और अब मैंने ये जो पनीर मैरिनेट करके लिया था वो इसमें ऐड कर दूंगी। पनीर को मैंने थोड़े से सॉल्ट, चिली और गरम मसाले के संग में रोस्ट किया था, सॉरी मैरिनेट किया था। इससे जो सॉल्ट है वो पनीर के अंदर अच्छे से चला जाएगा और पनीर भी हमारे सॉल्टी हो जाएंगे। ये देखिए हमारा जो ये ग्रेवी है पनीर लबाबदार वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे 1-2 मिनट और कुक करेंगे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर यहाँ पर आया है। लड्डी डिंगरा जी बोल रहे वेरी नाइस, थैंक यू मैम। शेर बानू अबू जी बोले वेरी नाइस ग्रेवी एंड लुक्स यम्मी, थैंक यू सर। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर अभी कुक कर रही हूँ, लगभग 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, बाकी की सारी प्रोसेस मैंने लो फ्लेम पर ही करी है। पिंकी शाहपुरी जी बोले नाइस कलर एंड टेम्पटिंग, थैंक यू मैम। प्रतिभा जैन मैम बोल रहे हैं लुकिंग डिलीशियस, थैंक यू प्रतिभा मैम। ये देखिए आप देख सकते हैं पास से, आप देख सकते हैं जो हमारी पनीर लबाबदार है वो कितनी अच्छी तैयार हुई है। और यहाँ पर ये सारा ऑयल भी सेपरेट होने लगा, बटर भी सेपरेट होने लगा, तो ये हमारी तैयार है। अब हम चलते हैं अपना पराठा बनाने। अंजू चोपड़ा जी बोले नाइस टेक्सचर, थैंक यू मैम। शेर अबू बानू जी बोले कैन वी यूज मिक्स वेजीज इंस्टेड ऑफ पनीर? दिस इज द पनीर लबाबदार, सो यू कैन यूज एनी वेजिटेबल एज योर चॉइस, बिकॉज आप इसे मशरूम के साथ भी बना सकते हैं, आप मशरूम लबाबदार बना लीजिए, आप इसी ग्रेवी के साथ में आप वेज लबाबदार भी तैयार कर सकते हैं। ज्योति जी बोले वेरी नाइस, सावित्री जी नमस्ते का वो भेजा है। रिंकू सिंघा जी बोल रहे हैं लुक्स ब्यूटीफुल।
सॉरी ये हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मुगलई पराठा। तो यहाँ पर मुगलई पराठा के लिए मैंने लिया हुआ है पनीर, धनिया के पत्ते, कोरिएंडर लीव, सॉल्ट टू टेस्ट। आप इसे वेजीज के साथ भी तैयार कर सकते हैं। और वैसे मुगलई पराठा जो है वो एग के साथ में बनाया जाता है, लेकिन वेज वालों के लिए, वेज जिन्हें जो प्रिफर करते हैं वो इसे पनीर के साथ में और वेजीज के साथ, दोनों के साथ में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे आज पनीर के साथ बना रही हूँ। तो पनीर में मैंने यहाँ पर ऐड किया जीरा पाउडर, कोरिएंडर लीव, सॉल्ट टू टेस्ट। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये वेजीज के साथ में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही में यहाँ पर मैंने चॉप्ड ऑनियन, एक बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने चॉप्ड ऑनियन लिया है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने जो डो लगाया है, ये मैंने व्हीट फ्लार और मैदा जो है दोनों मिलाकर हाफ हाफ क्वांटिटी में लिया है। एक कप मैदा और एक कप आटा, उसमें मैंने डाला 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल। और ये डो मैंने दूध के साथ में तैयार किया है, ये देख सकते हैं। एक सॉफ्ट डो लगाना है हमें, तो इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। और दूध से, जो मिल्क से हम डो तैयार करते हैं उसमें काफी अच्छी रिचनेस भी रहती है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक लोई लेंगे, और हमें ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है और बहुत मोटा नहीं बेलना है इसे। ऐसे इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, पनीर लबाबदार और मुगलई पराठा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पतली रोटी बेली है थोड़ी। और अब ये जो फिलिंग है, फिलिंग यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। और ये फिलिंग अगर आप थोड़ा सा इसे भूनना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा से बटर के साथ में रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। एक जो जब हम अंडे का बनाते हैं मुगलई पराठा, तो ठीक उसी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स करके अंडा फिल किया जाता है, तो उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर इसे इसीलिए कच्चा ही रखा है। और यूँ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से थोड़ा सा और बेल लेंगे। हमें जो पराठे की थिकनेस रखनी है वो इतनी होनी चाहिए, मुगलई पराठे की जो थिकनेस है, क्योंकि जब हम अंडा फिल करते हैं तो पराठा फूल जाता है और ये थिकनेस हमें उसमें मिलती है। अपना पराठा मैंने यहाँ पर बटर डाल दिया है, और साथ ही में
पराठे को हम यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक का इसी तरीके से सेक लेंगे। मुगलई पराठे के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है ताकि इसका जो क्रिस्पीनेस है वो अच्छे से आ जाए और जो गोल्डन ब्राउन इसका कलर है वो इसी तरीके से आता है। आप लेस ऑयल में अगर कुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखिए हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें डन हो गई हैं दोनों, तो अब हम प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये सारी सब्जी इसमें निकाल ली है। आप लोगों को अगर ये रेसिपी आज की पसंद आई हो तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे फेसबुक के पेज पे RGS कलनरी के नाम से हमारा पेज है, उस पर आप मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। और यूट्यूब चैनल भी है RGS कलनरी के नाम से। रिजा जी बोल रहे हैं बहुत हैवी हो गया है पराठा, इतना सारा बटर और इतना सारा ऑयल। जी हाँ, ये मुगलई पराठा है तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लेकिन आप इसे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे लेस ऑयल में कुक कर सकते हैं और नॉन स्टिक पर भी कुक करना अच्छा है। मैंने थोड़ा सा इसे रिच बनाया है क्योंकि इसका जो रियल फ्लेवर है वो इसी तरह से आता है। ये देखिए हमारे यहाँ पर जो है प्लेटिंग हो गई है। ये देखिए हमारी प्लेटिंग बिल्कुल तैयार है और साथ ही में मैं यहाँ पर अमूल का जो बादाम मिल्क है वो सर्व कर रही हूँ।
आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये देखिए हमारा जो प्लेटर है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। पनीर लबाबदार और मुगलई पराठा रेस्टोरेंट स्टाइल बना है ये एकदम। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो आज की तो आप जरूर एक बार बनाकर ट्राई करिएगा और मुझे टैग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अमूल सारे मतलब सभी घरों की जान है, सुबह उठते ही सबसे पहले अमूल का बटर और ब्रेड ही खाना है। तो ये अमूल ने जो मुझे मौका दिया है उसके लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और आप सब ने मुझे ज्वाइन किया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको आज की जो हमारी सेशन थी वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। जी प्रतिभा जी बिल्कुल ट्राई करिएगा और मुझे टैग जरूर करिएगा। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू शेरवानु जी। आप सब ने मुझे ज्वाइन किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अमूल की टीम अभिषेक सर मनु सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप सभी को ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं आज आपसे यहीं पर आप सभी को नमस्ते कहती हूँ। बाय बाय।